नागौर संसदीय सीट पर नामांकन दाखिल करने की तारीख खत्म होने के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। एक दिन पहले नागौर के एनडीए उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की नामांकन रैली में जहां बेनीवाल और उनके समर्थन में आए भाजपा नेताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के खिलाफ हमले बोले थे और उसके जवाब में कुचामन सिटी में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस ने पलटवार किया और इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की जीत के लिए जुट जाने का आह्वान किया है। जो मंच पर खड़े होकर के कुछ भी बोलें, बहुरूपी एक रूप धारण कर रखा है। कल तक जो तेजाजी के जयकारे लगाते थे, कल तेजाजी मंच पर से बिल्कुल कोई जयकारा नहीं लगा। बोलते थे विधानसभा में तेजाजी का जयकारा लगाऊंगा, ये उन्होंने कहीं नहीं बोला कि अगर पार्लियामेंट पहुंचूंगा तो तेजाजी का जयकारा लगाऊंगा। ये वो सतयुग था जिसमें हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा करके लंका में आग लगाई थी, ये कलयुग का हनुमान है, ये पूंछ में आग लगा करके अपने ही समाज के लोगों को आग लगाने का काम कर रहे हैं। युवा वर्ग की आप बात करें, वो एक बहुत छोटा सा धड़ा है जिनको उन्होंने बहका करके और हमेशा जयकारे लगवाने के लिए और रैलियों में उनका इस्तेमाल किया। लेकिन नागौर का ऐसा चुनाव मैंने आज तक इतिहास में नहीं देखा कि जनता पूरी तरह से ज्योति मिर्धा जी के साथ है। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की 25 की 25 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है, लेकिन नंबर वन पे कोई सीट जीतेगी, सबसे ज्यादा वोटों जीतेगी, उस सीट का नाम है नागौर। देखिए पिछले 5 साल के पीरियड में जनता में बहका वातावरण पैदा हुआ है,